Who's the best? Who's the best? Who's the best? Who's the best? I'm the best. देखा आपने कितना सेल्फिश, कितना खुद से खुश, कितना ज़्यादा अपने आप में घुसा हुआ इंसान। और ऐसा इंसान जो है अगर लड़कियों के चक्कर में पड़ेगा तो लड़कियों क्या हाल करेगा, ये हम लड़कियों से पूछेंगे। हमारे साथ है प्राची देसाई और हमारे साथ है चित्रांगदा सिंह। प्राची, आपसे सबसे पहला सवाल। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल किया है लोगे चित्रांगदा। आई मीन या हम कितने ज़्यादा दुखी लग रहे हैं और कितने ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं। आई स्वेयर ऐसे ही होता है कुछ कुछ। यानी जॉन के चक्कर में जो इस किरदार के चक्कर में जो पड़ेगा वो रिटायर हो जाएगा। हाँ, आई थिंक आई ऑलरेडी ग्रोन ओल्ड, फीलिंग इट। या हर एक औरत की जिंदगी में एक ईशान ज़रूर आता है। एंड आई थिंक वी ऑल एक्सपीरियंस्ड ए ईशान इन अ लाइफ। मैं खुद भी शायद लाइफ में एक ईशान था एक ज़माने में, शायद हूँ थोड़ा बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, शायद पता नहीं। मैं खुद के बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, सोचता हूँ। अच्छा, इतना बड़ा स्टार हो जाने के बाद थोड़ा बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड तो हो ही जाता है आदमी। नहीं, वो थोड़ा मैं ऐसे अपने बारे में थोड़ा सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये सब थोड़ा। लेकिन शायद लड़कियों के लाइफ में ऐसे डेफिनेटली हुआ होगा कि इनके लाइफ में एक ईशान आया होगा। यू नो व्हाट डू यू से गर्ल्स, आपकी लाइफ में जॉन जैसा कोई शख्स आया है? एक्चुअली बहुत सारे आए हैं एंड सबको डंप कर दिया आपने। या आई सेड कट इट शॉर्ट, इफ इट डजंट गो वेल डंप, ड्रॉप देम इमीडिएटली। बट यू नो आई मीन इट्स नॉट दैट आपका सिर्फ बॉयफ्रेंड ही ऐसा हो सकता है, यू कैन हैव अ ब्रदर हु इज एक्चुअली लाइक ईशान, यू नो, एज सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैंने ये चित्रांगदा से सुना है हर एक इंटरव्यू में। आई थिंक यू शुड प्रोबेबली आस्क हर अबाउट गाइस। ईशान जैसा कोई लड़का, मेरा भाई, मेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है ग्रोइंग अप ईयर्स। आई थिंक मेरा जो भाई था वो मुझे हिज टू ऑर्डर मी अराउंड, एक ईशान वाज यू नो अ पर्सन दैट आई ग्रू अप विद। एंड तो वो हिज टू ऑर्डर मी अराउंड, उसकी शर्ट प्रेस करना, ही हैड टू गो फॉर सम डेट और व्हाटएवर, तो मैं जल्दी जल्दी उसका गेट हिम रेडी एंड माई कोल्ड कॉफी हैज टू बी ऑन टाइम, उसके सैंडविच, सलामी सैंडविच ये वो। सो आई एम वेरी वेल ट्रेन फॉर ईशान्स एक्चुअली। कितने ईशान्स को आपने हैंडल किया है अपनी लाइफ में? That was the first one that I handled, and उसके बाद I managed pretty well actually. अगर हम जॉन आप की बात करें, जी, तो अपनी ज़िंदगी में आपने कितनी लड़कियों को डंप किया? बताइए ना कि मैंने कितने लड़कियों को डंप किया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अच्छा इंसान, प्राची की तरफ और चित्रांगदा की तरफ, मैं अच्छा इंसान हूँ। नहीं, मैंने किसी को डंप नहीं किया। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बाकी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यही सोचता हूँ कि हर एक के लाइफ में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होते हैं और ये फिल्म में आई मी और मैं वही दिखाया हमने कि मेरे और चित्रांगदा के बीच में उनके जो उनका जो कैरेक्टर है अनुष्का, कैसे प्रॉब्लम शुरू होते हैं और मेरे और गौरी जो प्राची का कैरेक्टर उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो हर एक चीज़ हमने दिखाया फिल्म में। एंड आई थिंक दैट्स ट्रू टू लाइफ, हमारी लाइफ में वैसे ही होता है। शायद आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा, आपके वाइफ के साथ या आपके गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ, जो भी। क्या चाह रहे हैं आप ये बताइए। नहीं, सच सच बोल रहा हूँ। तो अगर आप फिल्म देखने जाओगे, क्योंकि हर शख्स को ये फिल्म देखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप वाइफ के साथ जा रहे हो या गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, जो भी, या दोनों के साथ, तो यू नो इट्स अ टफ वन। इन्होंने ये बोला कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ या वाइफ और गर्लफ्रेंड्स के साथ या गर्लफ्रेंड्स के साथ या गर्लफ्रेंड वाइफ गर्लफ्रेंड के बीच में कंफ्यूज हो रहे थे, दो हसीनाएं आपके साथ हैं, दोनों हसीनाओं में कौन ज्यादा आसान था रोमांस करने में? अपने आप को रोमांस करना बहुत ईजी था, क्योंकि मैं इनके साथ थोड़ा बहुत रिहर्सल्स करने पड़े, लेकिन खुद के साथ सिर्फ मिरर में देखे, आई एम द बेस्ट।
ऐसे लड़कियां ऐसे लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, ये तय है। नॉट एट ऑल, 100% आपको पता होगा, आपके वाइफ ने बताया होगा आपको या गर्लफ्रेंड ने जो। नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया क्योंकि आई एम नॉट बेस्ट। ओके, यू आर नॉट द बेस्ट, तो सब ने मुझे भी बताया कि आई एम नॉट द बेस्ट क्योंकि दे डू नॉट लाइक मैन हु आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद के बारे में जो बात करते हैं। एम आई राइट? दे डोंट लाइक दोस काइंड ऑफ मैन। आपको क्या लगा किसके साथ आपकी केमिस्ट्री ज्यादा जम रही है? नहीं, एक्चुअली जब भी हम शॉट देते हैं ना, आप किसी से भी पूछे, इनसे पूछिए, कोई भी एक्टर से पूछे, हम खुद को ही देखते हैं स्क्रीन पे, असिस्ट पे, कि अगर किसके साथ हमारा कुछ am I right or wrong? No, that's true. तो अगर नहीं, कैरेक्टर भी है लेकिन सच में अगर प्राची और मेरा एक रोमांटिक मोमेंट है या चित्रांगदा और मेरा एक रोमांटिक मोमेंट है, हम लोग उसके बाद असिस्ट पे जाते, वीडियो असिस्ट पे, और खुद को ही देखते, नहीं बाल सही था नहीं था, नहीं ये शॉट ठीक नहीं है, या हम लोग उसको ही देखते हैं। सो वी नेवर रियली, इस पोस्टर पे अगर हम देखें, जॉन जरा इधर आइए, हम जरा ये देखें एक सेकंड के लिए, जॉन के अंदर जॉन साहब, मतलब कितना जॉन ही जॉन। अब ये बताइए, एक तरफ एक हसीना, दूसरी तरफ दूसरी हसीना, दोनों को एक साथ अगर रोमांस आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे? हसीना सिंह और हसीना देसाई। फिर भी कोई तरीका तो होगा कि आप दोनों को एक साथ खुश कर दें, क्यों नहीं? टिप मिल रहा है, विशेष टिप। शिवाजी सिंह, मेरे दो हाथ है। देखिए ये टिप्स देते हैं लोग। अब सवाल ही ऐसे पूछते हैं। अच्छा ओके, यू शुड गो। मतलब क्या हो गया आप लोग, इस फिल्म ने क्या कर दिया आप लोगों के साथ, जॉन आपके साथ खास तौर पर? लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि ये फिल्म, ऑनेस्टली से दिस क्योंकि आई वांट द ऑडियंस टू एंजॉय दिस फिल्म, और इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म की जो एंडिंग है इतनी यूनिक है कि आई थिंक नो वन कैन गेस व्हाट द एंडिंग ऑफ दिस फिल्म इज, एंड आई थिंक दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस फिल्म। सब लोग चौंक जाएंगे एंडिंग देख के, एंड आई थिंक दे विल रिलेट टू इट एज वेल। ऐसी एंडिंग है और ऐसी अच्छी फिल्म कपिल शर्मा ने बनाई। गाना ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, वो तो श्रीदेवी भी फिल्माया गया था, ये आप फिल्माया गया है, ना जाने कहाँ से आया है, ना जाने कहाँ को जाएगा, किस किस को दीवाना बनाएगा ये लड़का हाँ ये लड़का, तो किस किस को दीवाना बनाएगा ये लड़का जी, आप इनसे पूछिए। ये हमारे साइड में दो हसीना सिंह और हसीना देसाई। किस किस को बनाएगा? वेल बहुतों को बना रहा है इन द सॉन्ग ऑल्सो एज यू कैन सी, एंड हम लोग वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू कीप अप विद इट। Of course, she's done a much better job than that. But you have done a wonderful job by that petrol pump scene. You didn't have done. Didn't I? I did so good. Petrol I pump scene so में चित्रांगदा ने बहुत अच्छा काम किया है petrol pump scene में. और ये अच्छी petrol pump attendant है, अच्छी waitress है. मतलब अगर आप हीरोइन ना होती तो क्या होती? Waitress. Waitress, आपने मुझे टेबल पे चढ़ते हुए देखा होगा उस गाने में, probably that, I'm good at that. और चित्रांगदा क्या पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं? चित्रांगदा क्या पेट्रोल पंप पे काम कर रही होती? शायद पेट्रोल पंप पे with my black, you know, I'll be doing something like that. हाँ, शायद. उसमें मैं टिप्स, I don't think. I'll try the waitress next time. Okay. चलते हमारे दर्शकों के लिए ना जाने कहाँ से आया है, गाएंगे या नाचेंगे या आप हाँ ये ओके मैं नाचूं आपके साथ, मैं नाचूंगा तो फिर ये कौन? मुझे जॉन स्टेप सिखाएंगे। ओके फाइन, आई एम नॉट एज स्लिम एज जॉन बट फिर भी। या रेडी, 1 2 3 गो। ना जाने कहाँ से आया है, ना जाने कहाँ को जाएगा दीवाना, किसे बनाएगा ये लड़का। They've got stuck on that step. They've got stuck. Yeah, basically, see, I'll tell you. It's the call. It's called call. Okay. Call. Oh, so it's call. Yes, you got that. Okay, I got it. Once more. Ready. आप करो ना। अहमद हरी चलिए। हाँ, he would just go. Quit call, right? Yeah. Call. The call. Call. Ready, go. 1 2 3 go. Na jaane
कहाँ से आया है ना जाने, कहाँ को जाएगा दीवाना, किसे बनाएगा ये लड़का। जॉन चित्रांगदा एंड प्राची, देखिएगा फिल्म देखकर शायद आपको खूब मजा आए। हफीज रहमान, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।